तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 के भारत की खोज के थर्ड चैप्टर के जो एक टॉपिक है जो कि है महाभारत इसे। तो दोस्तों हमने इसके पिछले वीडियो में जाना कि कैसे जो महाभारत है उसे रामायण से ऊंचा दर्जा दिया गया, क्योंकि जो महाभारत है वह उस समय के मीन्स जो अतीत के जो वहाँ का समाज था उसको अच्छे से दर्शाता है। रामायण के एक तरह से तुलना में जो महाभारत है वो उसे अच्छे से दर्शाता है, और साथ ही साथ उसमें राजनीतिक सामाजिक जो भी चीज़ें होती हैं इन सबको एकदम अच्छे से इसमें बताता है। तो दोस्तों मेनली इसमें बताया गया है इस टॉपिक में कि कैसे जो महाभारत है इसका होने का जो कारण था वो, और ये जो महाभारत जो है इसमें क्या मेनली ये बताना चाहता है, मतलब कि इसका मुख्य रूप से क्या मकसद था इसका। तो दोस्तों अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पहले महाभारत में ये बताया गया था कि कैसे उस समय हम लोग जो रहा करते थे आर्य सब, हमने इसे पिछले बार जाना है कि कैसे आर्य हमारे जो देश है इसमें आए थे, और इसमें बताया गया है कि पहले आर्य सब रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जो विदेशी आदमी हैं वो भी हमारे इस देश में आने लगा है, और साथ में वो भी हमारे साथ घुलने मिलने लगा है, मीन्स जो आर्यों के साथ थे वो उनके साथ रहने लगे, और साथ ही साथ जो आके आदिवासी सब थे उनके साथ भी रहने लग गए। इसी के साथ दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया उनके कुछ मतलब कि जो विदेशी थे उनके कुछ रीति रिवाज कह सकते हैं या फिर उनका जो एक तरह से रहन सहन था वो हमारे भारत ने अपनाया, और साथ ही साथ जो हमारा पहले से रहन सहन था जो कि आर्य समाज है इसमें था वो तो हमने पहले से अपना रखा था। तो इसमें इसको मेनली क्यों बोला गया है कि विदेशी सब यहाँ पर आए, इसका मेनली जो एक फैक्ट निकलता है, तथ्य निकलता है, वो ये है कि पहले वहाँ पर बताया गया है कि विवाह सिर्फ स्त्री का, कोई भी स्त्री था उसमें विवाह सिर्फ एक ही के साथ हो सकता था, लेकिन महाभारत है उसमें एक स्त्री जो थी वो पांच पांच आदमियों से या फिर पांचों भाइयों थे जो कि पांच भाई थे उनसे शादी की थी वो, मतलब एक स्त्री पांच आदमी से शादी की थी। तो इसमें बात बताया गया है कि क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था, मीन्स जो आर्य सबका समाज था उसके हिसाब से सिर्फ एक स्त्री एक ही आदमी से शादी कर सकती है, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें बताया गया है कि उस समय जैसे जैसे विदेशी लोग आने लगे हैं जो बाहरी लोग आने लगे हैं वो भी हमारे साथ घुल मिल गए, और उन्हीं के साथ रहने के साथ मतलब हम जो उस समय रह रहे हैं और हमारा जो उस समय का एक प्रेजेंट जो टाइम है मीन्स जो उस समय हम लोग जब रहते थे तो उस समय हम लोग जो चलते थे तो सबको एकजुट करके चलते थे, मतलब कि अगर वो विदेशी है तो उसके भी कुछ धर्म को अपनाना या वो उसके कुछ पैशन को और जो आदमी उसका रीति रिवाज या कुछ भी हो उसको अपनाना अपनाना और इस तरह मिलाकर कुछ अलग तरह से जीना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम आ रहे हैं तो अपने ही काम करें, जो दूसरे देश से आए हैं उनके साथ मिलजुल कर एक देश में रहना। तो दोस्तों मेनली अब इसमें यही बताया गया था कि कैसे जो विदेशी सब आने का यही एक कारण था, कैसे कि विवाह के वक्त सिर्फ एक आदमी से विवाह होता था लेकिन यहाँ पर पाँच पाँच आदमियों से विवाह हुआ था। अब इसके अंदर बताया गया है कि कैसे ये जो विदेशी और जो आर्य सब थे ये सब के सोच को इन सब के रहन सहन को मिलाकर जो बना एक धर्म बना जो कि था हिंदू धर्म, मतलब हिंदू धर्म हम कह सकते हैं कि उस समय जो लोग थे आर्य सब थे कुछ विदेशी लोग जो आए थे हमारे देश में रुक गए थे उनके रहन सहन उनके ढंग इन सब को मिला के जो है एक धर्म था वो बना हिंदू धर्म। तो अब दोस्तों मेनली इसके आगे बताया गया है कैसे जो महाभारत है ये हिंदुस्तान का जो एक दंत कथा है जो कि इसमें हमारा बताता है भारतवर्ष का पुराने भारत में कैसे थे ये सब बताता है, और इसी के साथ साथ बताया गया है कि पहले जो भारत है इसका नाम जो है वो आर्यव्रत भी था, मीन्स आर्यों का देश जहाँ पर आर्य सब रहते थे, लेकिन ये सिर्फ मध्य भारत में लेकर उत्तर भारत तक की सीमा तक ही सीमित था। और इसी तरह इसमें बताया हुआ है कि कैसे पहले हमारा जो ये आर्य का देश था इसे कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर पहले आर्य रहा करते थे, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही दूर तक ये सीमित था। अब दोस्तों इसमें महाभारत में मेनली बताया गया है कैसे ये शो करता है, जो महाभारत है ये शो करता है दर्शाता है एक एक विश्व के स्तर पर जो विराट बहुत बड़ा गृह युद्ध के बारे में, मीन्स इसमें अपने लोगों से जो गृह युद्ध होता है उन्हें दर्शाता है। ये इसमें बताया गया है कि कैसे 14वीं शताब्दी में आसपास मीन्स ये सब हुआ था
और ये इसी में बता रहा होता है कि ये लड़ाई इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें लोग जो थे वो चाहते थे कि वो जितना दूर तक कब्जा कर सकें या फिर जितना दूर तक वो अपना हुकूमत चला सके वो उतना दूर तक हुकूमत चलाएं और उस देश को राज करें। इसीलिए जो महाभारत था ये हुआ था। और साथ ही साथ जो महाभारत जो है ये होने का एक और था जो कि हिंसा था और जो लोभ था, ये सब भी एक कारण था जैसे कारण जो महाभारत है ये हुआ। अब दोस्तों इसी तरह बताते हुए कहा गया है इसमें कि वास्तव में इसका जो मुख्य शासक की जो पत्नी का नाम था वो था गांधारी, मीन्स जो गंगाधर की कन्या जो है उनके नाम पर था, गंधारी जो थी वो। और इसी तरह इसमें एक और जो महत्वपूर्ण जो चीज़ बताई गई है वो है कि पहले उस समय जो दिल्ली जैसे नाम का आधुनिक शहर है वो उस समय पहले हमारा जो राजधानी नहीं था, बल्कि उस समय जो राजधानी थे वो थे जो हस्तिनापुर और जो इंद्रप्रस्थ की जो नाम के जो पुराने शहर थे उस समय जो हमारे भारत के राजधानी बने थे, मतलब कि उस समय राजधानी दिल्ली नहीं था। अब दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि महाभारत जो है वो कैसे इसमें बताया गया है भगवत गीता के बारे में, जिसके अंदर जो कृष्ण भगवान थे वो अपने जो मन के जो थॉट रहता है विचार रहता है उसको भी बताते हैं। और इसी तरह इसमें कुछ और इसके बारे में बताया गया है कि हम जो जीवन में जिस तरह जीते हैं उनके सिद्धांत को, और यही सब इसमें मेनली जो हमारे लाइफ स्टाइल था जो हमारा जीवन शैली है उसको मेनली दर्शाया गया है। अब इसी तरह इसमें बताया गया कि कैसे हमको जैसे धर्म की जैसे हम कहीं भी रहते तो हमें अधर्म के साथ नहीं देना चाहिए और धर्म का साथ देना चाहिए, अपने कर्तव्य को अपने जिम्मेवारी को पूरा करना चाहिए, इसी तरह अहिंसा के जो मार्ग है उन पे नहीं चलना चाहिए, और यही सब चीज़ें जो है ये मेनली इसमें बताते हैं। और इसमें और भी इसका जो हम कह सकते हैं कि जो विराट जो ये युद्ध हुआ था इसमें तो हमने ये जान चुका है कैसे ये जो हिंसा ये सब भी कारण था इसका होने का, और साथ में जो इसमें चाहते थे कि ये लोग दूर तक राज कर सके, मतलब जितना दूर तक ये राज करना चाहे उतना दूर तक राज ये कर सके। और इसी तरह इसमें बताया गया है कि जो अफगानिस्तान था उसका भी कुछ इसमें हिस्सा आता था, मतलब उस समय जो हमारा देश था उस समय जो अफगानिस्तान था उसका भी कुछ हिस्सा आता था, जहाँ पर ये मतलब ये युद्ध जो हो रहा था जितने जगह को कैप्चर करने के लिए अपनाने के लिए वहाँ पे अफगानिस्तान जो था ये भी उसमें आता था। अब इस तरह इसमें बताया गया है कि कुछ और जो मेन चीज़ है इसमें बताया गया महाभारत में कि जो कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, कहा जाता है कि हमें ये जीवन में करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, या फिर अपने जीवन के बारे में कुछ ऐसे सोच विचार जो बताया गया है जो कि सब लोग इस पे ध्यान दे सकें। और यह साथ में ये जो महाभारत है ये एक अच्छी शिक्षा साथ में जो हमारे सोच है इसको भी एक तरह से बदलता है। मेनली हम कह सकते हैं कि जो महाभारत है ये जो है ये हमें बताता है कि हमें एकजुट होकर रहना चाहिए और साथ में हमें जो अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन इसमें एक और चीज़ है वो है कि इसमें लड़ाई होती है अपने ही घर में, तो इससे हम लोग कैसे कह सकते हैं कि एकजुट होने का बात कहा गया है, क्योंकि मेनली इसमें बताया गया है कैसे जो गृहयुद्ध होता है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दो पक्ष है उसमें एक जो पक्ष है वो है अधर्म के साथ है इसीलिए गृहयुद्ध हो रहा है। लेकिन साथ में ये लोग चाहते तो हैं कि सब एकजुट होकर रहना, लेकिन अगर यहाँ पर अधर्म हो रहा है इसीलिए ये लोग इससे मेनली ये धर्म पर भी एक तरह से बोलता है फोकस कर रहा है ये जो महाभारत, इसलिए कहता है कि अगर अधर्म हो रहा है तो उसका साथ नहीं देने के लिए इसलिए यहाँ पर गृहयुद्ध भी होता है। और साथ में कुछ इसमें बताया गया है महाभारत में कि कुछ अच्छे विचार के बारे में, वो उसमें से कुछ ये भी विचार हैं कि हमें वही कहना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे और साथ में वो हमें भी अच्छा लगे, मतलब अगर कोई दूसरा वो बात हमें कहता है तो हमें अच्छा लगे, और हमें वो बात कभी नहीं कहना चाहिए जो कि हमें लगता है जैसे हमें शर्म आती है या फिर जो हमें लगता हो कि नहीं ये अच्छा नहीं है या फिर ये सही नहीं है, मतलब कि दूसरे के सामने कोई ऐसा बात हो जो कि हमें लगता है कि नहीं ये करना सही नहीं है और ये ठीक नहीं है, इस तो वो हमें बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह सच्चाई के साथ रहना चाहिए, जो अपने आप को उदारता में रहना चाहिए और साथ में दयालु, ये सब के बारे में इसमें बताता है, और काम वही करना चाहिए जो कि सबके फायदे में हो, मीन्स ऐसा नहीं कि खुद का सोचो बल्कि दूसरे का भी ये सब सोचना चाहिए। और कुछ इसमें यही बताया गया है कि हमें पीछे धन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए,
क्योंकि जिस तरह जो रेशम का कीड़ा है वो अपने धन के बोझ से ही मर जाता है, मतलब जो रेशम का कीड़ा का धन का बोझ कहा गया है क्योंकि रेशम जो है वो उसका जो हमारा जो मार्केट है उसमें ज़्यादा डिमांड है, इसी तरह जो रेशम है उसका कीड़ा उसी कारण वो मारा जाता है क्योंकि उसके पास धन है और जो लोग हैं उसके चाहत करते हैं, इसलिए वो अपने धर्म से मारा जाता है। और इसी तरह दोस्तों इसमें बताया गया है कि हमें असंतोष मतलब नहीं रहना चाहिए, जितना में हम जी रहे हैं जितना हमारे पास है उतना ही में रहना चाहिए और दूसरों से मिलनी तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों से तुलना करने में अगर हम दूसरों से तुलना करें कि उसके पास ये है और हमारे पास ये नहीं तो हमें बुरा ही लगेगा, लेकिन वही अगर हम किसी और से ऐसे से तुलना कर रहे हैं जिसके पास हमारे पास जो है वो उसके पास नहीं है तो हम ये सोचेंगे चलो हमारे पास इतना भी है यही बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मेनली इसमें यही सब बताया गया था हमारे जीवन के बारे में, और जो महाभारत है ये बताता है कि कैसे ये जो एक तरह से बहुत बड़ा युद्ध को ये दर्शाता है। और दोस्तों इस महाभारत जो है इसमें मेनली जो यही बताता है कि हम एकजुट होकर रहना चाहिए, और जो इसका हमने जाना कि कैसे इसके जो विचार थे वो सब हैं। तो दोस्तों ये सब इसलिए होता है क्योंकि इसमें धर्म जो है उस पर भी जोर दिया गया है और साथ में एकजुट है उस पर भी जोर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जब अधर्म होने लग जाता है तो हमें सबको सही रखने के लिए अपने जो जन को मतलब अपने जो वहाँ पे जो देशवासी थे उस समय के उन सबको सही रखने के लिए सबके हित के लिए ये सब लड़ाई होते हैं। तो दोस्तों मेनली इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।